हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एचएम केमिस्ट्री चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं द पेंडिंग पार्ट ऑफ लैब टेस्ट, जिसकी दो वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट ओपन करिए एग्जाम डोज वाली, ठीक है? तो रीसेंट वीडियोस जो है वो इसी की मिलेंगी आपको, लैब टेस्ट पार्ट वन एंड लैब टेस्ट पार्ट टू। और अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके जरूर बता के जाएं और बहुत सारे बच्चों के साथ शेयर करें, सो दैट एवरीबडी कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज ये वीडियो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए यहाँ से 3 to 4 मार्क्स का पेपर 50 में से आता ही आता है हर बार, और रिपीटेड जाता है। और बच्चों को ये नहीं पता होता कि हमने कौन से लैब टेस्ट पढ़ने हैं, कैसे हैं। तो मैंने सारे ही ऑर्गेनिक के जितने भी टेस्ट थे वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट करने की ट्राई की है, राइट? तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो, बने रहिए एंड तक। तो जो फर्स्ट टेस्ट मैं लिखना चाहूंगी आज के लिए, दैट इज द टेस्ट बिटवीन पेंटेन 2-ओन एंड पेंटेन 3-ओन। ओके, तो दिस इज द डिफरेंशिएशन टेस्ट बिटवीन पेंटेन 2-ओन एंड पेंटेन 3-ओन। इस टेस्ट को हम आइडोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं। अगेन हम वही टेस्ट दोबारा करने वाले हैं, ठीक है? कई बार टेस्ट आप पढ़ लेते हो बट आपको एप्लीकेशन पार्ट नहीं पता होता, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल, सो दैट आपको अच्छे से इस चीज की समझ आ जाए, राइट? तो प्रोपेनॉल एंड पेंटेन 2-ओन और पेंटेन 3-ओन के बीच में जो डिफरेंस है, दैट इज द आइडोफॉर्म टेस्ट। कैसे करेंगे देखिए, दिस इज पेंटेन 2-ओन, ठीक है? क्योंकि सेकंड पोजीशन पे मैंने लगाया तो ये पेंटेन 2-ओन है। इसके साथ हमने क्या ऐड करना होता है, क्या होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडीन और NaOH ऐड करते हैं। जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो मेरे पास क्या बनना चाहिए, वी आर गेटिंग CHI3। हर बार ये बनेगा ही बनेगा, और ये बनता है तो ही येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने रिएक्शन करके ऐसी छोड़ देनी है अधूरी, ये बनेगा ही बनेगा तभी हमारे पास टेस्ट कंप्लीट होता है। तो साथ में जो साइड प्रोडक्ट निकलेगा, दैट CH3, CH2, CH2, COONA, ठीक है? तो it is giving the iodoform test. But whenever we are going to take the example of pentane 3-ON, what is 3-ON? So this is example of pentane 3-ON. 1, 2, 3. This is pentane 3-ON. जब इसके साथ हमने इसको रिएक्शन करवाई तो हमारे पास क्या आया, आयोडीन और NaOH के साथ, it is not giving any test. क्यों नहीं देता, क्योंकि आइडोफॉर्म इट इज गिवन बाय दिस ग्रुप। अगर किसी के पास भी ये ग्रुप है, मिथाइल कीटोन है, तो ये वाला ग्रुप अगर हमारे पास है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। दिस इज मस्ट फॉर आइडोफॉर्म टेस्ट, मिथाइल कीटोन होना जरूरी है। यहाँ ऐसा कोई ग्रुप है ही नहीं है, सॉरी दिस इज CH2, तो इट इज नॉट कंटेनिंग दिस ग्रुप, दैट्स व्हाई इट इज नॉट गिविंग आइडोफॉर्म टेस्ट, राइट? तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टेस्ट। The next test is the differentiation test between propanol and benzaldehyde. पहले तो structure लिखिए propanol का, this is CH2, CH2, CHO, aldehyde. और benzaldehyde में क्या होगा, benzene के ऊपर CHO लगा है। तो इन दोनों को कैसे differentiate करेंगे, देखिए अगर आप यहाँ पे failing solution ले लेते हो, फेलिंग सोल्यूशन ले लो आप, और भी कुछ कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम इसके साथ हमने फेलिंग सोल्यूशन लिया तो इट इज गिविंग अस रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, तो यहाँ पे रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेंगे, ठीक है? क्या लिखें इसकी जगह पे, मैं कॉपर 2 Cu+, 2+, 5 OH-, मतलब कॉपर के साथ ऐसा कुछ दिया हो तो भी वो फेलिंग सोल्यूशन ही है, इस चीज को समझना है। क्योंकि रिएक्शन करते टाइम आप पढ़ लेते हो बट आपको एप्लीकेशन पार्ट का ध्यान नहीं होता। अगर कॉपर 2+ और 5 OH- भी कहीं दिया हुआ है तो दिस इज फेलिंग सोल्यूशन। जब दोनों ये रिएक्ट करेंगे तो बट वी आर गेटिंग CH3, CH2, COO- एंड हमारे पास वॉटर निकलेगा और Cu2O के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे जो ब्राउन रेडिश कलर के होंगे। बट अगर बेंजल्डिहाइड की बात करें, वो फेलिंग सोल्यूशन के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता, ऑल्दो दिस इज अ एल्डिहाइड एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, क्योंकि ये तो एल्डिहाइड है, ये तो टेस्ट देगा ही देगा। तो यहाँ पे ये चीज आपने मस्ट ध्यान रखनी है कि बेंजल्डिहाइड फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देता, ना ही ये टॉलरेंट रिएजेंट टेस्ट देता है, क्योंकि
एरोमेटिक में जाने से रिएक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे नॉर्मल एल्डिहाइड वर्सेस बेंजल्डिहाइड के साथ अगर कुछ ऐसा आता है तो आपने ध्यान रखना है कि बेंजल्डिहाइड टेस्ट नहीं देगा, राइट। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है, दैट इज मीथेनोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ मीथेनोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड, फर्स्टली यू हैव टू डू दिस, राइट दिस, क्योंकि हमें पेपर अगर आप देखो एनालिसिस करो तो हमें ना ये इस फॉर्म में रिएक्शन को देते हैं, कभी भी हमें स्ट्रक्चर मेंशन नहीं करते पेपर में। अगर आप पेपर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा, जिस बच्चे को स्ट्रक्चर्स लिखने नहीं आते, कहीं कंफ्यूजन है, वो पेपर नहीं कर सकता, और तुक्के से तो कभी पेपर क्लियर नहीं होता। ये मेरी 100% जेन्युइन बात है। अब मान के चलिए केमिस्ट्री कभी भी तुक्के से आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास दो टेस्ट हैं। अगर हम मीथेनोइक एसिड की बात करें, व्हाट इज द मीथेनोइक एसिड, एसिड है एक कार्बन वाला। इथेनोइक एसिड क्या है, एसिड है जिसमें दो कार्बन है, ठीक है, CH3 CH2, सॉरी CH3 COOH, ठीक है। तो ये है मीथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। अगर यहाँ पे आप फेलिंग सोल्यूशन डाल दें, फेलिंग सोल्यूशन, और साथ में आप डाल दें सेकेंड टेस्ट के लिए टॉलन रिएजेंट, तो हमारे पास जो मिथेनोइक एसिड है वो फिलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है एंड इट इज गिविंग अस दिस काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पे हमारे पास जो प्रेसिपिटेट बनेंगे वो ही रेड ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। बट अगर आप यहाँ पे टॉलन रिएजेंट डालोगे तो टॉलन रिएजेंट में भी यहाँ पे एजी प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जो सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, सिल्वर कलर के प्रेसिपिटेट्स देगा, और अगेन यहां से ये चीज बाहर निकलेगी और वाटर बाहर निकलेगा। कहने का मतलब मीथेनोइक एसिड टॉलन रिएजेंट और फिलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है। अगेन दिस इज द न्यू थिंग फॉर मेनी स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ एक मिथ बना लेते हैं कि जो टॉलन रिएजेंट है ना वो तो सिर्फ एल्डिहाइड ही रिएक्ट करता है, या फिलिंग सॉल्यूशन के साथ सिर्फ एल्डिहाइड ही रिएक्ट करता है। और जो वीडियोस मैंने आपको दी है उसमें आपने ये देख लिया कि मैंने मीथेनोइक एसिड के केस में भी दिया है, मीन्स इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, तो ये टेस्ट फॉर्मिक एसिड भी देता है। टर्मिनल और नॉन टर्मिनल अल्काइन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए भी मैंने टॉलन रिएजेंट टेस्ट लिखा था। तो देखिए कितनी लगा लीजिए वास्ट वैरायटी है जो कंपाउंड्स अलग अलग तरीके से ये टेस्ट दे सकते हैं। तो डोंट मिस इंटरप्रेट कि सिर्फ एल्डिहाइड ही टॉलन रिएजेंट टेस्ट देता है, और यहां से फिर गलतियां होती हैं, ठीक है। आधी अधूरी नॉलेज होना, गलत बुक्स को सिलेक्ट करना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छी रेफरेंस बुक्स पढ़ें। जब टेस्ट करते हैं तो कोई अच्छी रेफरेंस बुक पढ़ें, रिएजेंट पढ़ते हैं तो आप एमएससी लेवल की अच्छी बुक पढ़ें, जैसे सानेवाल की बुक है रिएजेंट की, स्पेशली बहुत अच्छी बुक है, एक एक रिएजेंट को उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि टाइम पास करना है पेपर के लिए, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो अगर हम बात करें एसिटिक एसिड, सॉरी एसिटिक एसिड की या इथेनोइक एसिड की, तो हमारे पास ये दोनों ही चीजों के साथ, ना तो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ ना टॉलरेंट सॉल्यूशन के साथ, ये रिएक्ट ही नहीं करता, राइट। तो नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट टेस्ट इज द टेस्ट बिटवीन इथेनल एंड मिथेनल। हम क्या डालें कि इनका डिफरेंस हमें पता चले कि किस बीकर में क्या पड़ा है। तो हम क्या करते हैं, इथेनॉल का क्या स्ट्रक्चर है, इथेनल का CH3 CHO, और मिथेनल का क्या स्ट्रक्चर है, दैट इज HCHO, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं इसको। अगर आप इसके बीच में I2 और NaOH डाल दोगे तो अभी तक आपको ये समझ आ जाना चाहिए ये रिएजेंट क्या है, आइडोफॉर्म टेस्ट। ये क्या बनाएगा, CHI3+ HCOONa, ये निकल जाएगा, ये येलो कलर के प्रेसिपिटेट देता है। और अगर आप इसको रिएक्ट करेंगे, मिथेनल को रिएक्ट करेंगे I2 और NaOH के साथ, तो इट इज नॉट गिविंग अस एनी काइंड ऑफ रिएक्शन, कोई प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे, क्योंकि इथेनल रिएक्ट करता है, मिथेनल नहीं करता। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा कि क्यों नहीं करता। देखिए एक चीज होती है, जब आप कुछ लिखते हैं केमिस्ट्री में दैट इज डिफरेंट थिंग, जब आप परफॉर्म करते हैं तो वो अलग चीज है, ठीक है। बहुत सारी रिएक्शंस आप लिखने में बड़ी इजीली लिख देते हो, पर हो सकता है लैब में वो ना होती हो। तो दिस इज द प्रैक्टिकल रिजल्ट जो आपको हम करके दिखा रहे हैं, जो मैं लिख रही हूँ, लैब में इसकी रिएक्शन हो जाती है, इसकी नहीं होती, तो उसको आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। बट ये क्राइटेरिया इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली बहुत सारी चीजें आपको नई मिलेंगी, क्योंकि इथेनॉल और मिथेनॉल के बारे में आपने मे बी ये सोचा ही ना हो, ठीक है, कि क्या है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैंने आपको बताया था
CH3COH मिथाइल, ये वाला ग्रुप होना मस्ट है तभी ये रिएक्शन कर रहा है बेटा। अगर आप इसको अच्छे से देखें, ये ग्रुप के लिए बताया था, आइडोफॉर्म टेस्ट वही देंगे जिनके पास ये ग्रुप है। अब इसमें तो कोई ग्रुप ही नहीं है वो वाला, वो कैसे रिएक्ट करेगा? तो ये वाले टेस्ट अच्छे से कर लीजिए, इससे बाहर कुछ पेपर में नहीं आएगा लैब टेस्ट के रिगार्डिंग। तो उसके बाद हम जैसे कर रहे हैं एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन के बारे में, तो उसमें हम क्या करते हैं, बेंजोफिनोन क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर हमारे पास सीओ सी एस थ्री लगा है तो दैट इज एसिटोफिनोन। अगर इसमें आप आई टू और एन ए ओ एच एड करेंगे तो चेक करिए ये वाला ग्रुप है जिस जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो ये रिएक्शन करेगा, सी एच आई थ्री बन जाएगा और साथ में हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर सी ओ ओ एन ए ये निकल जाएगा। बट अगर आप बेंजोफिनोन की बात करें, बेंजोफिनोन क्या होता है, सी ओ और साथ में बेंजीन ही एक और लगी होती है। और अगर आप सोचो कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट करेगा या नहीं करेगा, क्या हमारे पास ये ग्रुप है यहाँ पे, नहीं है, तो इट इज नॉट गिविंग अस एनी आइडोफॉर्म टेस्ट। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो प्लीज ध्यान रखिए चीजों को, वही चीजें रिपीट 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 होती जा रही हैं, राइट? यस। नेक्स्ट टेस्ट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन मिथाइल अमीन एंड डाई मिथाइल अमीन। तो स्ट्रक्चर लिखिए पहले इसका, क्या है मिथाइल अमीन, क्या होता है, मिथाइल ग्रुप लगेगा अमीन के साथ, और डाई मिथाइल अमीन में क्या होता है, हमारे पास दोनों जगह पे ये लगा हुआ है, ठीक है, एक एच होगा और दो ये होते हैं, तो इट इज सेकेंडरी इन नेचर, बेसिकली दिस इज प्राइमरी इन नेचर। तो इसको याद आया कुछ आपको, प्राइमरी अमीन की रिएक्शन मैंने ऑलरेडी करवा दी थी, जो सिर्फ प्राइमरी अमीन रिएक्शन देता है, क्या था, जब हम KOH के साथ CHCl3 यूज कर रहे थे तो मेरे पास मैंने लिखा था कि आइसोनाइट्राइल बन जाता है जिसका बहुत ही गंदा ऑर्डर होता है, दैट इज ऑफेंसिव स्मेल, ठीक है, और ये पेपर में बहुत बार आई हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिर्फ आपने ये देखना है, स्ट्रक्चर लिखने आने चाहिए, प्राइमरी अमीन रिएक्शन करेगी, बट इसके साथ अगर आप रिएक्शन करोगे इट इज नॉट गोइंग टू गिव एनी रिएक्शन। नाइट्राइल ग्रुप क्या होता है बेटा, CN कहीं हो तो दैट इज नाइट्राइल ग्रुप, जिसको साइनाइड भी बोलते हैं। अगर कहीं NC, N के साथ लिंकेज आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोनाइट्राइल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास बनेगा ये वाला 3KCl बाहर निकलता है, साथ में वाटर बाहर निकल जाता है, N से लिंकेज है, तो इस ग्रुप का क्या नाम पड़ा, आइसोनाइट्राइल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन NLN एंड इथाइल अमीन। एनिलिन एंड इथाइल अमीन, इनका आपने रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, डिफरेंस कोई ऐसा टेस्ट। एनिलिन क्या होती है, बेंजीन के ऊपर हमारे पास NH2 हो दैट इज एनिलिन। इथाइल अमीन क्या होगी, ये वाला। अब आप सोच रहे होगे कि दिस इज अ प्राइमरी अमीन, यहाँ आप KOH वगैरह डाल सकते हैं, तो वो टेस्ट जो मैंने आपको बताया था, ये बताया था कि प्राइमरी रिएक्ट करता है, दूसरा नहीं करता, ठीक है, जो हमारे पास आइसोनाइट्राइल बना रहा था, ठीक है, तो आप वो टेस्ट आप लिख सकते हैं। बट यहाँ पे एनिलिन अगर आ जाए तो एनिलिन के केस में ना एक पर्टिकुलर रिएक्शन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, NaNO2+HCl डाल देते हैं, क्या बनाता है ये, HNO2, नाइट्रस एसिड। जब ये नाइट्रस एसिड इसके साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास ना N2Cl बन जाता है, जिसको डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। और डाइजोनियम सॉल्ट क्या करता है, जब हमारे पास फिनोल है, फिनोल के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा यहाँ पे, इट इज गिविंग अस N डबल बॉन्ड N बेंजीन रिंग और यहाँ पे OH, ये चीज। तो ये हमारे पास ऑरेंज कलर की डाई बन जाती है जिसका नेम है एजोडाई। एजो क्यों बोला, क्योंकि N डबल बॉन्ड N ग्रुप इज एजो ग्रुप, और इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। दिस इज अ नेम्ड रिएक्शन जो आप एनिलिन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत। और अगर हम इसकी बात करें, ये सारा तामझाम ये रिएक्शन प्राइमरी अमीन नहीं देगा, ये करेक्टरिस्टिक रिएक्शन हमारे पास सिर्फ एनिलिन देता है, एरोमेटिक रिंग के ऊपर अटैच है, यही ये रिएक्शन देगा और डाई बनाएगा। बट अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन की बात करें तो वो इसके साथ रिएक्शन नहीं करेंगी, आप इस तरीके से इसको याद कर लीजिए, राइट? उसके बाद हम अगर एक टेस्ट लिखें, दैट इज एनिलिन एंड एन मिथाइल एनिलिन।
इन दोनों का डिफरेंस आप देखिए, एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन आपको सेट करके देता है, ये काफी एंट्रेंसेस में आए हुए हैं क्वेश्चन, तो मैंने वहीं से उठाए। एनिलिन जो है दैट इज NH2, एन मिथाइल एनिलिन का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक एच रिप्लेस करके मिथाइल लगा दिया, एन मिथाइल एनिलिन, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप ये देखें तो ये प्राइमरी बन गया, ठीक है। अब यहाँ मिथाइल आ गया, इसके साथ लगा हुआ है, तो दिस इज द प्राइमरी, ओके। अब यहाँ पे देखिए, जब आप इसके साथ CHCl3 और KOH डालेंगे तो ये तो रिएक्शन देगा ही नहीं, या देता है रिएक्शन? ये रिएक्शन देता है, तभी मैंने जो पिछला टेस्ट आपको करवाया था उसमें मैंने डिफरेंशिएशन टेस्ट एनिलिन और इथाइल अमीन के लिए ये वाला टेस्ट नहीं यूज किया था, क्योंकि एनिलिन भी ये टेस्ट देता है और हमारे पास जो नॉर्मल है प्राइमरी वाला वो भी ये टेस्ट देता है, इसलिए मैंने पिछले टेस्ट में ये वाली रिएक्शन मेंशन नहीं की थी। उस टेस्ट में मैंने डाईएजोटाइजेशन मेंशन कर दी थी। अगर तो कहीं पे प्राइमरी और एलिनिन का पूछा गया हो तो फिर आप आइसोनाइट्राइल वाली रिएक्शन नहीं लिखेंगे, दोनों देते हैं ये टेस्ट। अगर हम बात करें एनिलिन और जैसे ये दिया हुआ है, इसमें आपने ये डाला तो ये वाला रिएक्शन कर जाएगा और हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे कुछ भी रिएक्शन नहीं होगी। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, देखिए, जैसे एनिलिन है जिसमें बेंजीन के ऊपर NH2 था, और प्राइमरी वाले दोनों ही आइसोनाइट्राइल बनाते हैं इस रिएक्शन में, तो हम इन दोनों की डिफरेंशिएशन के लिए ये टेस्ट नहीं लिख सकते। फिर हम क्या यूज करते हैं, डाई एजोटाइजेशन टेस्ट, ठीक है, जैसे मैंने पिछले में करवाया। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन्स की बात की जाए तो यहाँ पे क्या टेस्ट लेंगे, आइसोनाइट्राइल टेस्ट, क्योंकि प्राइमरी देगा बाकी नहीं देंगे। अगर आपको कुछ ऐसा आ जाए तो हमें पता है एनिलिन तो टेस्ट देता है, बट उसकी सब्स्टिट्यूशन करके एच निकाल के अगर आपने ये लगा दिया तो वो रिएक्शन नहीं करेगा। छोटी छोटी चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं होना, दो तीन बार इसको सुनना रिपीट करके, समझ आ जाएगा जब आप इसको लिखेंगे, ठीक है जी। द लास्ट टेस्ट दैट इज द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज टेस्ट। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, कैसे पता चलेगा कि ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है, क्योंकि दोनों ही कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म्स हैं, तो समझ कैसे आता है, देखिए, ग्लूकोज है उसमें मैं Br2 ऐड कर देती हूँ और वाटर ऐड कर दिया, ब्रोमीन वाटर ऐड कर दिया, तो मेरे पास ग्लूकोनोइक एसिड बनता है। ग्लूकोनोइक एसिड ये आप बायो मॉलिक्यूल्स में भी ऑलरेडी पढ़ोगे, मैंने करवाया हुआ है यूट्यूब पे, आप बायो मॉलिक्यूल वाला चैप्टर खोल सकते हैं, और ये कलरलेस होता है, इट इज कलरलेस। बट अगर आप फ्रक्टोज लेते हो, फ्रक्टोज में मैं ब्रोमीन और वाटर डाल दूं और मेरे पास क्या बनेगा, ब्राउन कलर रिटेन रहता है, ब्राउन कलर सोल्यूशन में रहेगा, ये इनिशियली भी ब्राउन कलर का होता है और बाद में भी ब्राउन कलर का ही रहेगा। यहाँ इनिशियली ये ब्राउन ऑरेंज कलर का था बट बाद में वो कलरलेस हो गया, तो ग्लूकोज ग्लूकोनिक एसिड बनाता है तो कलरलेस है। फ्रक्टोज के साथ जब आप रिएक्शन करेंगे तो ब्राउन कलर रिटेन रहेगा, दिस इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। और सेम अगर एक टेस्ट और लिखूं, दैट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन ग्लूकोज एंड सुक्रोज, तो क्या टेस्ट लेंगे हम, ये देखिए, ग्लूकोज एंड सुक्रोज। तो इसके लिए नॉर्मल सा टेस्ट है, ग्लूकोज जो है वो हमारे पास टॉलन रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर जाती हैं और हमारे पास सिल्वर मिरर टेस्ट देंगी, इट इज गिविंग अस सिल्वर मिरर टेस्ट। बट अगर आप सुक्रोज की बात करें तो वो टॉलन रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द लैब टेस्ट। हमने ऑलरेडी इसकी तीन वीडियोस बना ली हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, दैट इज अपलोडेड ऑन द सेक्शन, राइट। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से देख लेना है, प्लेलिस्ट में एग्जाम डोज वीडियोज वाला फोल्डर ओपन कर लीजिए, तीनों वीडियोज आपको वहीं पे मिलेंगी। अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम आती है, लेट मी नो अबाउट दिस इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो पसंद आती है तो जरूर लिख के जाइए और बहुत सारे बच्चों के साथ शेयर करिए ग्रुप में। डेफिनेटली 3-4 नंबर जो यहां से पेपर आएगा तो यहां से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़िए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय एवरीवन।